सेक्शन 154 संगे मामले में इत्तिला के बारे में बताता है। चलिए इस सेक्शन को एक उदाहरण के माध्यम से और आसान सी भाषा में समझ लेते हैं। सपोज अमित नामक व्यक्ति का सोहन नामक व्यक्ति गोली मारकर हत्या कर देता है। उस दशा में थाने पर FIR कौन कौन से लोग कर सकते हैं? तो उस दशा में अमित के घर वाले, अमित के रिश्तेदार, अमित के पड़ोसी थाने पर जाकर FIR दर्ज करवा सकते हैं। अगर यहाँ पर एक प्रश्न बने कि और कौन कौन से माध्यम से FIR दर्ज हो सकता है, सपोज कोई थाने का भार साधक अधिकारी अखबार पढ़ रहा है या TV देख रहा है, अगर उसके क्षेत्राधिकार में कोई संज्ञेय मामला कारित हुआ है और वह अखबार या TV के माध्यम से सूचना पाता है, तो उस आधार पर वह भार साधक अधिकारी SHO घटना का संज्ञान लेकर FIR दर्ज कर सकता है। अब एक प्रश्न यह बन सकता है, FIR जो है वह किस माध्यम से दिया जाता है? तो उत्तर होगा, FIR मौखिक और लिखित दोनों तरीके से दिया जा सकता है। थाने का भार साधक अधिकारी जो सूचना दे रहा है, अगर वह मौखिक रूप से दे रहा है तो उस दशा में वह लेखबद्ध करेगा, मतलब अपने हाथ से लिखेगा, और जो इन्फॉर्मर सूचना देने वाला व्यक्ति है उसका हस्ताक्षर करवाएगा और उसकी एक प्रति उसको देगा। अगर सूचना देने वाला व्यक्ति पहले से FIR लिखवा कर लाया है या लिख कर लाया है, तो उस दशा में थाने का भार साधक अधिकारी उसका हस्ताक्षर करवा कर उसे एक प्रति देगा। उसके बाद उस अपराध को अपराध रजिस्टर में दर्ज करेगा। ये जो सेक्शन 154 है, वो इन्फॉर्मेशन इन कॉजनेबल केसेस संज्ञेय मामलों में इत्तिला के बारे में बात करता है। हो सकता है संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध के बारे में कुछ लोगों को जानकारी न हो, तो उसको CRPC का फर्स्ट शेड्यूल प्रथम अनुसूची खोल के देख लेना चाहिए कि भारतीय दंड संहिता के कौन कौन से सेक्शन संज्ञेय हैं और कौन कौन से सेक्शन असंज्ञेय हैं। अब और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये सेक्शन और क्या कहता है। अगर कोई महिला उस पर कोई एसिड अटैक का प्रयत्न किया है या किसी तरह की छेड़खानी, उसकी मोडेस्टी भंग करने के लिए, या उसको पोर्नोग्राफी दिखाने का प्रयत्न कर रहा है, या उसके कपड़े को फाड़ने की कोशिश कर रहा है, या उसका पीछा करने की कोशिश कर रहा है, या रेप करने की कोशिश कर रहा है, या गैंग रेप या सेक्सुअल पर्पस से कोई ऑफेंस करता है, या IPC 509 का ऑफेंस किया है, तो इस तरह की शिकायत अगर कोई महिला लेके थाने पर आती है, तो उस मामले में उस महिला की शिकायत सिर्फ और सिर्फ पुलिस महिला अधिकारी ही करेगी। उस दशा में कोई भी महिला अधिकारी, चाहे वो दूसरे महकमे की क्यों ना हो, अगर वो महिला अधिकारी नहीं है तो उस जगह पे कोई दूसरी महिला अधिकारी उस रिपोर्ट को दर्ज कर सकती है, भले से वो दूसरे महकमे की क्यों ना हो। अगर यहाँ पे एक प्रश्न बने कि अगर पीड़ित महिला का कोई भाई या पिता या रिश्तेदार रिपोर्ट देना चाहता है, तो उस दशा में क्या होगा? उस दशा में कोई मेल पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट को दर्ज कर सकता है। अब आते हैं सेक्शन 154 के फर्स्ट ए में। उसमें अगर कोई महिला किसी तरह की शारीरिक रोगी या मानसिक रोगी है, तो इस दशा में FIR लिखने के लिए उसके घर या उसके पास जाया जाएगा। अब आते हैं सेक्शन 154 का फर्स्ट बी। ये कहता है अगर महिला कोई बयान देती है तो उसकी वीडियोग्राफी तैयार की जाएगी। अगर महिला एसिड अटैक, छेड़खानी या रेप से पीड़ित है, तो उस दशा में उसकी वीडियोग्राफी बनाई जाएगी। इसके बाद सेक्शन 154 का फर्स्ट सी कहता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर IO शीघ्र
पीड़ित को मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा जिससे 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो सके। बाद सेक्शन 154 का सब सेक्शन 2 कहता है, जो इत्तिला कर रहा है या जो व्यक्ति सूचना दे रहा है उस व्यक्ति को तत्काल निःशुल्क FIR की प्रतिलिपि उसे प्रदान की जाए। सेक्शन 154 का सब सेक्शन 3 कहता है, अगर थाने का भार साधक अधिकारी या सचिव FIR लिखने से मना कर दे, वो कहे कि मैं FIR नहीं दर्ज करूँगा, उस दशा में उस व्यक्ति को कंप्लेन रजिस्टर्ड डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक SP को भेज देना चाहिए और रजिस्टर्ड डाक की रसीद को सुरक्षित अपने पास रख लेना चाहिए। उसके बाद उस व्यक्ति को 156(3) के तहत ACJM के कोर्ट में कंप्लेन फाइल करना चाहिए। ये आपका पूरा सेक्शन 154 कंप्लीट हुआ। आशा है यह वीडियो आपके समझ में आया होगा। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।